ये विंडो एसी के कूलिंग कॉइल से निकला हुआ आयल है, इसका मतलब इस जगह लीकेज है। ये लीकेज एग्जैक्ट कहाँ है साबुन झाग से नहीं पता चल पा रहा है। अभी भी एसी में गैस है, पर कॉइल में लीकेज को ढूंढने के लिए गैस को उड़ाना पड़ेगा। इसके पिन वाल्व को खोल लेंगे। एसी ओपन एरिया में हो तो कोई बात नहीं, वरना एग्जास्ट ऑन कर लेंगे। कूलिंग कॉइल के सभी स्क्रू खोल लेंगे। कॉइल सेंसर और रूम सेंसर को कूलिंग कॉइल से हटा लेंगे। सक्शन लाइन और कैपिलरी पर लपेटे हुए पैड को केयरफुली रिमूव कर लेंगे। फ्लेम टॉर्च से सक्शन लाइन को ज्वाइंट से अलग कर लेंगे। तीनों कैपिलरी के ज्वाइंट को केयरफुली खोल लेंगे। कूलिंग कॉइल को बाहर निकाल लेंगे। हाफ इंच पाइप में स्वेजिंग कर लेंगे और इसको लगभग 4 इंच का कट कर लेंगे। कूलिंग कॉइल में ये तीनों कैपिलरी के इनलेट हैं और कॉइल से सभी आउटलेट इस मोटी पाइप से कनेक्ट होकर सक्शन में जाते हैं। हाफ इंच पाइप के 3 टुकड़े 2-2 इंच के ले लेते हैं, जिसे कैपिलरी के इनलेट पर जोड़ेंगे। जिस टुकड़े में स्विजिंग कर रखा है उसे सक्शन में जोड़कर इसके साथ एक पिन वाल्व कनेक्ट करेंगे। पहले कैपिलरी के इनलेट को सैंडपेपर से रब कर लेंगे। पाइप के तीनों टुकड़ों को कैपिलरी के इनलेट पर लगाकर प्लायर से मोटे पाइप को प्रेस करेंगे। फ्लेम टार्च से तीनों पाइप के टुकड़ों को ब्रेजिंग करके जोड़ लेंगे। तीनों टुकड़ों को आगे से पूरी तरह प्रेस कर लेंगे। फ्लेम टार्च से ब्रेजिंग करके सील कर देंगे। इस तरह ये तीनों रास्ते बंद हो गए। सक्शन लाइन के साथ स्वेजिंग किए हुए टुकड़े को ब्रेजिंग करके जोड़ लेते हैं। इसके साथ पिन वाल्व या एनआरवी वाल्व को ब्रेजिंग करके जोड़ लेते हैं। पिन वाल्व में वाल्व को लगा लेंगे। ये प्रेशर गेज है, ये सर्विस कंप्रेशर है जिससे प्रेशर कॉइल में भरेंगे। प्रेशर गेज के साथ लगी चार्जिंग लाइन को कूलिंग कॉइल में लगे पिन वाल्व से कनेक्ट करते हैं। दूसरी पाइप को मैनिफोल्ड गेज के सर्विस पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। सर्विस कंप्रेशर ऑन है। मैनिफोल्ड गेज के वाल्व को ओपन कर लेंगे और इसकी पाइप को कंप्रेशर के डिस्चार्ज लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं। जितना प्रेशर कूलिंग कॉइल में जाएगा उसे ये प्रेशर गेज शो करेगा। सर्विस कंप्रेशर के डिस्चार्ज से निकलने वाला प्रेशर मैनिफोल्ड गेज से होता हुआ कूलिंग कॉइल में जा रहा है, जिसे ये प्रेशर गेज शो कर रहा है। कूलिंग कॉइल से कैपिलरी के तीनों रास्ते सील हैं। कॉइल में लगभग 250 psi प्रेशर भर चुका है। मैनिफोल्ड गेज का वाल्व बंद करेंगे और कंप्रेशर को ऑफ कर देंगे। गेज के सर्विस पोर्ट से जुड़ी पाइप निकाल लेंगे। कूलिंग कॉइल को साफ पानी में डुबाएंगे। पानी में डूबते ही बबल्स दिखाई दे रहे हैं। पिन वाल्व से मैनिफोल्ड गेज को अलग कर लेंगे। कूलिंग कॉइल में जिस जगह ऑयल दिखा था वहां केयरफुली चेक करेंगे। इसका लीकेज साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां से निकलता हुआ बबल्स आप आसानी से देख रहे होंगे। इस लीकेज को फ्लेम टार्च से जोड़ने में दिक्कत होगी, इसलिए इसे गैस वेल्डिंग से जोड़ते हैं। जिस पाइप में लीकेज था उसे अच्छी तरह से ज्वाइंट कर दिया गया है। कूलिंग कॉइल में एक बार फिर प्रेशर भरेंगे। कूलिंग कॉइल को साफ पानी में डालकर कंफर्म करेंगे कि लीकेज अब है या नहीं। प्रेशर गेज लगभग 250 psi प्रेशर शो कर रहा है और कॉइल से कोई भी बबल्स नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कूलिंग कॉइल का लीकेज खत्म हो गया। वीडियो को आखिर तक देखें, जिससे कूलिंग कॉइल को एसी में दोबारा कनेक्ट करना सीख लेंगे। कूलिंग कॉइल से पाइप को अलग करके पिन वाल्व के वाल्व को खोल लेंगे, जिससे प्रेशर निकल जाए। कॉइल के तीनों इनलेट से पाइप के टुकड़ों को हटा लेंगे, जिससे ये ओपन हो जाएगा। एनआरवी में पिन वाल्व लगाकर प्रेशर डालेंगे।
प्रेशर तीनों पाइपों से बाहर आ रहा है। एसी के कंप्रेसर को ऑन करेंगे और तीनों कैपिलरी को चेक करेंगे, इसमें से प्रेशर आना चाहिए जो कि आ रहा है और सक्शन हवा को खींच रहा है। कूलिंग कॉइल के सक्शन में जुड़ा पाइप एनआरवी सहित निकाल लेंगे। कूलिंग कॉइल को एसी में इसकी जगह रखेंगे। तीनों कैपिलरी को कूलिंग कॉइल के तीनों इनलेट से जोड़ेंगे। एसी को ऑन करने पर कूलिंग कॉइल के सक्शन पाइप से प्रेशर बाहर आएगा। इस प्रेशर को रोकेंगे और तीनों कैपिलरी के ज्वाइंट का लीकेज चेक कर लेंगे। ध्यान रखें कि कंप्रेसर के सक्शन में साबुन झाग का पानी ना जाने पाए। सक्शन लाइन को ब्रेजिंग करके जोड़ लेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। सिस्टम में प्रेशर डालकर सभी ज्वाइंट के लीकेज चेक कर लेंगे। वैक्यूम करके एसी में गैस चार्ज कर देंगे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।